आप देख रहे हैं सतरंगी लाइव और इस चैनल पे आपका स्वागत। नमस्कार, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आधार सीडेड बैंक में आपके बैंक का नाम ना आकर एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम आ रहा है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इसी के समाधान के बारे में बताएंगे। बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि उनके आधार सीडेड बैंक में उनके बैंक का नाम ना आकर एयरटेल पेमेंट बैंक आ रहा है, तो उसको कैसे सुधारें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत ही आसान तरीकों से, बहुत ही आसानी से आप कैसे अपने हटा सकते हैं एयरटेल पेमेंट जो आ रहा है बैंक लिखकर, उसको कैसे आप हटा सकते हैं। तो इस पे और भी वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने बैंक को कैसे लिंक करा सकते हैं दूसरे बैंक से, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आज केवल इसमें बात करेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो आ रहे हैं उसको कैसे हटाएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एयरटेल का जो मित्रा ऐप होता है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और मित्रा ऐप डाउनलोड करेंगे तो मित्रा ऐप आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपको बता दें कि ये आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये वही कर सकते हैं जिनको एयरटेल रिटेलर का या एयरटेल के तरफ से वो एजेंट हैं या पेमेंट का काम करते हैं, वही करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे कि हम खुद से कर लें तो आप नहीं कर पाइएगा, तो उनके पास जाना होगा जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो कारोबार कर रहे होंगे, पेमेंट ले रहे होंगे, दे रहे होंगे, तो उनके पास जाएंगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो पहले क्या करना है कि आधार ऐप को डाउनलोड करना, ऐप पे जाएंगे, ऐप को जैसे ही खोलेंगे तो आपको ये खुलेगा एयरटेल मित्रा जो ऐप है वो खुल जाएगा आपको। फिर उसके बाद इस ऐप पे नहीं जाना है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे, हाँ बैंक है पर अलग है, देखिए स्लोगन है उनका। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस लाइन पे जाएंगे, इसमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, जब लॉगिन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन जो है, लॉगिन क्लिक करेंगे तो लॉगिन जैसे ही क्लिक करेंगे तो खुलेगा, एक पेज खुला जिसपे कि LAPU नंबर होता है, कोड होता है, समझ लीजिए। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का अगर वो एजेंट होंगे चाहे कारोबार कर रहे होंगे तो उनको मिला होगा। फिर उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद एक दूसरा पेज खुलेगा। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड डालने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा, और यहाँ पे देखिए ऊपर में एयरटेल पेमेंट बैंक आ रहा है, प्राइम रत्ना है ये लिखा हुआ आ रहा है, प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान, इस तरह से नीचे चलते जाइएगा, स्क्रोल करके नीचे जाइएगा, ऊपर में स्क्रोल कीजिएगा, रिटर्न एम कैश, फिर माइक्रो एटीएम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, स्मार्ट इन्वेस्टर, ग्रांटेड प्लान, सेंड मनी, इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, जब ऊपर करेंगे स्क्रॉल, ओपन बैंक अकाउंट, और उसी के बाद आएगा आपको लिंक या डी लिंक आधार फॉर डीबीटी। लिंक यानी कि आप लिंक नहीं है, अगर आपको जुड़ा हुआ नहीं है तो आप यहां करा सकते हैं, अगर जुड़ा हुआ है तो हटा सकते हैं। तो ये समस्या बहुत लोगों के आ रहा था, तो इसीलिए वीडियो बनाने के पीछे मकसद है। यूटिलाइज पेमेंट कैश ग्रुप, इस तरह से आ रहा है, जो बहुत आ रहा है, देखिए यहाँ पे फास्टैग, अप्लाई फॉर लोन, लिंक QR, इस तरह से बहुत आएगा। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, ऊपर से चौथा या पाँचवा नंबर पे जो आ रहा है, ऊपर से ध्यान से देखिएगा, ये सब जो है हम नहीं करेंगे। ऊपर से चौथा या पाँचवा नंबर जो है आएगा तो उसी पे हम क्या करेंगे, एक दो तीन तीसरा नंबर पे ये जो आ रहा है इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक खुला, ये लिंक खुला, फर्स्ट टाइम लिंकिंग, उसके नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम लिंकिंग, अगर आप पहला बार लिंक करा रहे हैं तो इसको क्लिक करिए, लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक, इसको अगर कराना है तो करिए, लेकिन ये सब पे ध्यान नहीं देना है, ये मेन है मकसद, डी लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक, अगर आप डी लिंक आपका जुड़ा हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक तो उसको डी लिंक कैसे करें, तो यही ऑप्शन पे, तीसरा नंबर ऑप्शन पे जाने के बाद इसको क्लिक करेंगे
उसके नीचे आ रहा है अदर बैंक अकाउंट लिंक, नो बैंक अकाउंट लिंकिंग, तो इस तरह से आता है। तीसरा नंबर डी लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा। देखिए खुला, यहाँ कस्टमर मोबाइल नंबर जिनका लिंक है, जिस व्यक्ति का लिंक है उनका मोबाइल नंबर, और उसी जो यहाँ पे लिंक होगा मोबाइल नंबर, ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं उनका, जो लिंक है जिनको हटवाना है अकाउंट हटवाना है उन्हीं का मोबाइल नंबर, और इसमें जो लिंक है वही मोबाइल नंबर डालें। तो यहाँ जैसे ही डालेंगे यहाँ पे, तो देखिए साइड में गेट ओटीपी, आपके पास ओटीपी प्राप्त होगा, आपके मोबाइल में वो नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा। तो उस ओटीपी को यहाँ देखिए मैसेज आ गया ओटीपी का, ओटीपी जैसे ही आएगा अगर हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे एयरटेल की तरफ से, पेमेंट की तरफ से भेजा जाएगा। उस ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड पे चले जाएंगे, जब प्रोसीड पे जाएंगे मोबाइल नंबर डाल दिए, ओटीपी आया उसको डाल दिए, प्रोसीड किए तो देखिए खुला डी लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर जो मोबाइल नंबर से ही संबंधित है, मोबाइल नंबर ही है लेकिन उसको अकाउंट नंबर बनाया गया, तो इतना अकाउंट नंबर यहाँ है। अब यहाँ पे नीचे जो आ रहा है थंब इंप्रेशन, जो थंब लगाने के लिए उनके पास होगा, जिनके पास जाएंगे तो जब थंब यहाँ पे करेंगे और इसको टिक कर देंगे, ओके करेंगे, थंब अपना लगाएंगे तो वहां पे रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पे थंब इंप्रेशन लगाएंगे, लगा दिए थंब इंप्रेशन, लगाने के बाद देखिए खुल रहा है, अगर सही होगा कैप्चा तो आपको लेगा। अब इंटर फोर डिजिट एम पिन, रिटेलर से एम पिन, यानी कि जिनके पास आप गए हैं उनके ये खोलने के लिए रिटेलर एम पिन मांगेगा, वो डालेंगे तो उसके बाद जो है खुल जाएगा। देखिए आगे यहाँ पे वी हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिक्वेस्ट टू डी लिंक योर आधार विथ एयरटेल पेमेंट बैंक फॉर डीबीटी, वी विल शेयर द आधार डी लिंकिंग स्टेटस शॉर्टली, इन केस ऑफ टेक्निकल इशू बैंक विल रिट्राई अटेम्प्ट फॉर नेक्स्ट 24 आवर टू डी लिंक योर आधार। तो कह रहा है कि हम आपको जैसे ही होगा वैसे ही सूचना देंगे, लेकिन आप अगर वैसा कोई दिक्कत होता है तो 24 घंटा के अंदर फिर आपको हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से मैसेज भी आ गया है, तो मैसेज में क्या आया है हम जाके पढ़ेंगे यहाँ पे। तो मैसेज आप दिखा रहे हैं, देखिए अटेम्प टू ऑथेंटिकेट आधार नंबर, जो लास्ट में चार डिजिट दिख रहा है, 23/8 आज का डेट देगा, यूजिंग बायोमेट्रिक वाज सक्सेसफुली, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स कोड, इतना कोड दिया गया है। नीचे में आया है योर आधार इज सक्सेसफुली डी लिंक्ड फॉर डीबीटी फ्रॉम योर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट, तो इतना एयरटेल बैंक अकाउंट से डीलिंक किया जा चुका है, यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ पे एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, तो ये तो हम बता दिए कि अगर आपके आधार सीडेड बैंक के जगह पे नाम आ रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक, और आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में है नहीं खाता चाहे कुछ भी, अगर दिख रहा है तो कैसे हटाए, तो आप इस तरह से हटा सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक बात है कि आपको लिंक किससे कराना है। तो ये आप क्या कीजिएगा कि अपने अकाउंट को जहां पे आपका अकाउंट है उस ब्रांच में चले जाइएगा, आधार कॉपी का फोटो, आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले लीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा कि जो जो अपना मोबाइल नंबर होगा अपना ये रहेगा, उसके पे वीडियो बना चुके हैं हम पहले, उसमें मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आप अप्लाई करें। तो वहां पे अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम वम सब डिटेल डाल के वहां पे लिख दीजिएगा कि अपना मेरा अकाउंट को डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किया जाए, लिंक किया जाए, तो वहां पे लिंक हो जाएगा, यहां से डीलिंक हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत लोगों के साथ समस्या क्या आ रहा है कि ये काम नहीं हुआ है, और वो लिंक कराने तो एप्लीकेशन दे दिए हैं लेकिन अभी भी वहां पे दिख रहा है पोर्टल पर, अभी भी एयरटेल पेमेंट ही दिख रहा है। तो हम प्रोसेस बता दिए, आप चले जाइएगा वहां पे अपने रिटेलर के पास, जहां साइबर कैफे हो, जहां एयरटेल पेमेंट का जो पॉइंट होगा वहां पे चले जाइएगा और डीलिंग करा लीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग परेशान है, पता नहीं 10 लोग को शेयर किए तो 2 लोगों का काम आ जाए ये वीडियो, तो उन लोगों को भी परेशानी दूर हो जाएगा।
और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास भी कुछ प्रश्न है सहारा से संबंधित तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट से उनका सलाह लेकर आपको प्रस्तुत करें, आपको जवाब दें।